फिफ्थ वन इज द पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन दैट इज क्या लिख सकते हैं शॉर्ट PPM, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, या इसी को बोलते हैं PPM कंसंट्रेशन, PPM कंसंट्रेशन। अगर फॉर्मूले के फॉर्म में इसको लिखें क्या हो जाएगा, PPM इज इक्वल टू, PPM इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 10^6। अब जैसे ये फार्मूला लिखा है 10^6 का मतलब क्या है, यहां 1 मिलियन, 10 लाख को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे 1 मिलियन, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना PPM का यहाँ पे मतलब क्या है, बहुत छोटी यूनिट, 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ पार्ट प्रेजेंट रहते हैं वो क्या कहलाता है, पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज इट्स PPM कंसंट्रेशन। क्लियर, न्यूमेरिकल एक नोट कीजिए, लिखिए इसमें हंड्रेड मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, 100 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन PPM, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन PPM। हो गया, फार्मूला नोट कर लो पहले, सबसे पहले कैसे करेंगे, PPM इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 10^6। फार्मूला जरूर नोट करो ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो जाए। ठीक है, सबसे पहले आपको यहां पे क्या समझना, बहुत ध्यान से समझना, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम दिया किसमें, मिलीग्राम, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होता है, 1000, ये क्लियर पता होना चाहिए। अब मिलीग्राम स्मॉलेस्ट यूनिट है, ग्राम लार्ज यूनिट है, अगर हमको मिलीग्राम को ग्राम में अगर चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, हो जाएगा। तो यहां से साइड में नोट कर लो, एच 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, यहां पे क्या हो जाएगा,
मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, कितना डिजॉल्व किया गया है, कितना मिलीग्राम, 0.1 मिलीग्राम। क्वेश्चन में पहले ग्राम बताओ ना, मिलीग्राम कितना दिया है क्वेश्चन में, सॉल्व कर रहे हैं ना, 100। तो ये हो जाएगा, देखो मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, दिया कितना है 100 मिलीग्राम। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, 100/1000, ये किसमें आएगा, ग्राम। सबसे पहले तो अपन को यूनिट चेंज करना पड़ेगा, हो जाएगा। अब इसको अपन क्या कर सकते हैं, या इसी को अपन अगर लिखें अदर वर्डिंग में लिखें तो 100/10^3 ग्राम, बात एक ही है, चाहे ऐसा लिख लो चाहे ऐसा लिख लो, तो समझने के लिए अपन बता रहे हैं कि अपन किसी भी फॉर्म इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस फॉर्म में फार्मूले में अपन देखो, अब ये यूनिट अपनी ग्राम में चेंज हो गई जो जरूरी था, अब क्या हो जाएगा, PPM कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम कितना है, 100/10^3 हो जाएगा इंटू मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, मतलब इसी को अपन क्या बोल सकते हैं सीधा, या तो डायरेक्ट सीधा 1000 लिख लो, ओवरऑल सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, और यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा, 10^6, इसको करोगे तो 100/10^6, 10^3 यहाँ हो जाएगा, 10^3 ये हो जाएगा, इंटू 10^6 कट हो जाएगा, फाइनली कितना आ गया, 100। हैंस द PPM कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विल बी 100 PPM, वर्डिंग जरूर थोड़ा सा ध्यान देना, द PPM कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन विल बी 100 PPM।